The second disorder which we will talk about is autism spectrum disorder. अभी हमने intellectual disability की बात की और उसके साथ साथ एक बड़ा common disorder है या condition है जो कि छोटे बच्चों में prevail करती है और across different lifespan तक भी चलती है. That is known as autism spectrum disorder. It's characterized by persistent deficits in social communication and social interaction. और अगर आप इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की बात हम करें तो उसमें हमने देखा कि ज्यादा उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग के ऊपर इफेक्ट है, मतलब मेजर क्राइटेरिया वो है. यहाँ पे इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में भी इंटैक्ट, लेकिन बच्चे के जो डिफिसिट्स हैं वो प्रोनाउंस्ड जो आ रहे हैं वो उसके सोशल कम्युनिकेशन एंड सोशल इंटरेक्शन में हो रहे हैं. और दे इंक्लूड डिफिसिट्स इन सोशल इमोशनल रेसिप्रोसिटी. अगर उस बच्चे को आप स्माइल दे रहे हैं तो इट्स नॉट मोस्ट प्रोबेबली दैट पर्सन चाइल्ड जो है वो आपको दोबारा, रेसिप्रोसिटी का मतलब ये है कि अगर एक बंदा वो बिहेवियर करता है तो दूसरा उसको रेसिप्रोकेट करता है. और ये नेचुरल है कि अगर आप मुस्कुराते हैं तो दूसरा बंदा शायद आपकी मुस्कुराहट को रेसिप्रोकेट करेगा विद स्माइल. लेकिन इन बच्चों के अंदर इमोशनल डिफिसिट्स देखने में आते हैं. दूसरा जो इनके अंदर डिफिसिट आता है वो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर यूज्ड फॉर सोशल इंटरेक्शन. क्योंकि सो मेनी टाइम्स आपके नॉन वर्बल क्यूज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है व्हेन यू रेसिप्रोकेट विद योर ऑल योर इमोशंस. जितने भी आपके जज्बात हैं वो कम्युनिकेट हो रहे हैं आपके फेशियल एक्सप्रेशन से या आपके जेस्चर्स के साथ. तो ये बच्चे जो हैं इनके अंदर ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बिहेवियर जो सोशल इंटरेक्शन में या समाजी राबतों में इस्तेमाल होते हैं उनकी ये कमी होती है. तीसरा जो इम्पोर्टेंट डिफिसिट है वो इन डेवलपिंग मेंटेनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप. बच्चे दोस्तियां बनाते हैं एक सर्टन एज में, एक दूसरे को कडल करते हैं, एक दूसरे के साथ चीजें खुला उन्हें शेयर करते हैं. इन बच्चों के अंदर रिलेशनशिप या दोस्तियां बनाना, उनको मेंटेन करना और उनको समझने में उन्हें बड़ी मुश्किल होती है. सो बेसिकली ऑटिज्म जो है उसके अंदर सोशल और इमोशनल कम्युनिकेशन और इंटरेक्शन के डिफिसिट्स होते हैं. उसके साथ जो एक और फीचर है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर का, वो ये है कि दे शो रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर इंटरेस्ट और एक्टिविटीज एज मैनिफेस्टेड एट लीस्ट इन द फॉलोइंग टू ऑफ द फॉलोइंग ईदर करंटली और इन द हिस्ट्री. के रिस्ट्रिक्टेड रेपिटेटिव पैटर्न ऑफ बिहेवियर का मतलब ये है कि वही चीज बार बार करना. ये रिस्ट्रिक्टेड का मतलब यह है कि वो अपनी सेटिंग में किसी तरह की चेंज नहीं आने देते. अगर उनकी चीजें, उनके खिलौने, उनका कमरा, उनका बेड, उनकी रूटीन जो सेट हो गई है, वो उस रूटीन में कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं करते और ना वो अलाउ करते हैं. अगर आप करेंगे तो उनके लिए वो डिस्ट्रेस काज करेगा. इसीलिए उन बच्चों के लिए ये भी बड़ा मुश्किल होता है कि अगर फैमिली के कुछ मेंबर्स के साथ वो फेमिलियर हैं और अगर कोई स्ट्रेंजर्स घर में आ जाते हैं, मीन कोई रिश्तेदार आते हैं या कोई रिलेटिव आते हैं, तो उनके लिए उसके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है. वो अभी भी हो सकता है, करंट लाइफ में भी हो सकता है या प्रीवियस हिस्ट्री में भी आपको बताया जा सकता है. क्योंकि एक्चुअली ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज नॉट कन्फाइंड ओनली टू द चाइल्डहुड. इसके जो इम्पैक्ट हैं या वो कैरी ऑन होते हैं थ्रू आउट द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल. तो इसका मतलब है अगर किसी भी स्टेज पे दैट इंडिविजुअल सीक्स हेल्प, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि प्रीवियसली उसकी हिस्ट्री में भी क्या इस तरह के फीचर्स पाए गए हैं. पहला है स्टीरियोटाइप्ड और रेपिटेटिव मोटर मूवमेंट्स और सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच, सॉरी यूज ऑफ ऑब्जेक्ट्स और स्पीच. फॉर एग्जाम्पल, ये बच्चा रिपीटेडली एक तरह की मोटर मूवमेंट करेगा. वो पेसिंग एंड रोलिंग भी हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल, खड़े खड़े ऐसे रॉक कर रहा हो या एक आगे की पीछे की तरफ चल रहा हो, तो वो उसकी सर्टन कुछ मोटर मूवमेंट के अंदर भी आपको नजर आता है. और दूसरा आपको आता है ऑब्जेक्ट्स, मतलब जो चीजें उनकी होती हैं उनको वो चेंज नहीं करते. इवन सो मच सो कि अपने जो कपड़े हैं उनको जो पसंद होंगे वही बार बार वो पहनेंगे. और उसके अलावा आपको नई चीज इंट्रोड्यूस कराने में या नई चीज उनको कहना कि इसको अब इस्तेमाल कर लें, उसमें उनके लिए बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं. और स्पीच भी वो रिपीट करते हैं, एक ही लफ्ज रिपीट कर रहे होंगे या एक तरह के सेंटेंसेस रिपीट कर रहे होंगे, तो इनके अंदर स्पीच के इश्यूज भी देखने में आते हैं, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स. द सेकंड फीचर जो इसके अंदर है या सेकंड एरिया जिसके अंदर आपको प्रॉब्लम नजर आती है वो है इंसिस्टेंस ऑन सेमनेस. एज आई ऑलरेडी सेड कि ये बच्चे एक कहें कि उनके लिए जो एक सेट पैटर्न बन गया है वो बन गया है. उसके अंदर आपने अगर थोड़ी सी भी चेंज लाई
तो वो टेम्पर टेंट्रम शो करेंगे, वो आपके ऊपर आउटबर्स्ट ऑफ एंगर होगा. तो इसलिए ये बड़ा जरूरी है जहन में रखना कि वो सेमनेस एक तरह की चीजों के ऊपर फिक्स होते हैं और उनके अंदर इनफ्लेक्सिबिलिटी होती है टू एडहेयर टू द रूटीन्स. मतलब जो रूटीन उनकी बन गई है वो ठीक है, लेकिन उस रूटीन के अलावा अगर आप उनसे थोड़ा सा भी शफल करेंगे, मतलब डेली एक रूटीन अगर आपने उनकी सेट कर दी और वो दे आर हैप्पी विद दैट, तो अगर उस रूटीन में आप चेंज लाएंगे तो वो बच्चा उसको रेजिस्ट करेगा. और रिचुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, ये मैंने आपको प्रीवियसली बताया अभी थोड़ी देर पहले, कि रिचुअलाइज्ड पैटर्न ऑफ वर्बल और नॉन वर्बल बिहेवियर, मतलब जो वो एक चीज उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर लिया है अपने बिहेवियर में वही बार बार करेंगे. थर्ड इज हाईली रिस्ट्रिक्टेड फिक्सेटेड इंटरेस्ट दैट आर एबनॉर्मल इन इंटेंसिटी और फोकस. मतलब जो उनकी इंटरेस्ट डेवलप कर हो गई हैं वो रिस्ट्रिक्ट रहेंगे उन तक. उसके अलावा आप उनकी जिंदगी में उसके अलावा चीजें आप ऐड नहीं कर सकते या उनसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते. कि वो होता है ना, आपके अंदर नॉवल्टी होती है, आप हर रोज नए नए एक्सपीरियंसेस करते हैं. बच्चा जो है वो जो ग्रोइंग स्टेज में होता है वो हर रोज नया खिलौना चाहता है. ऑन द कॉन्ट्रेरी नए दोस्त चाहता है, नए दोस्त बनाता है, नई सेटिंग्स के अंदर इंटरेक्ट करता है. ये बच्चा उस तरह से नहीं करता. इसको द चाइल्ड इज हैप्पी विद वट एवर देयर रूटीन इज. सो इसमें बहुत दफा हमने देखा है कि बाज़ दफा लोग जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी और ऑटिज्म के अंदर डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते और उसकी डायग्नोसिस में भी इशू आता है. तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट आप देख लें कि दोनों के फीचर्स बहुत फर्क हैं. इसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज नॉट एन इशू, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज इंटैक्ट. बट ऑन उधर मतलब बाज़ दफा कोमॉर्बिडिटी या मिक्सड फीचर्स आते हैं, लेकिन जो जनरली अगर आप देखेंगे तो ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर को डायग्नोस करने के लिए बड़े डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं जो कि सोशल इमोशनल और इंटरेक्शन से रिलेटेड हैं, जो कि बच्चे की एक रूटीन की एक सेमनेस जिसको वो चेंज नहीं करना चाहता उससे रिलेटेड हैं. वेयर एज ओवर देयर इंटेलिजेंस लेवल इज और इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर. तो ये बड़ा जरूरी है कि आप जब किसी को डायग्नोस करें तो आपको ये देखने की जरूरत है कि ये आप सही इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ही डायग्नोज होनी चाहिए, और अगर ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है तो वही डायग्नोज होना चाहिए.